नमस्कार दोस्तों, पावर ऑफ नॉलेज में आपका स्वागत है। और आज का हमारा पाइथन का टॉपिक है जॉइनिंग नंपाई एरेज। अगर हम जॉइनिंग की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि हम दो या दो से ज्यादा एरे के कंटेंट को एक सिंगल एरे के अंदर पुट करना चाहते हैं। अगर हम एसक्यूएल की बात करते हैं तो एसक्यूएल में हम टेबल्स को ज्वाइन करते थे उसकी कीज के हिसाब से, और अगर हम नंपाई की बात करते हैं तो ये एरे को ज्वाइन करती है उसके एक्सिस के हिसाब से। अगर हम यहाँ पर सिक्वेंस ऑफ एरे पास करना चाहते हैं कॉन्कैटनेशन के लिए उसके एक्सिस के साथ, तो हम वन पास करते हैं, उसको कोई वैल्यू नहीं देते। लेकिन अगर आप उसको सिक्वेंस पास नहीं करना चाहते तो उसको आप टोकन जीरो प्रोवाइड करते हो। तो देखिए, सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या इम्पोर्ट नंपाइज एनपी एरे वन, मैंने एरे को वैल्यू प्रोवाइड की, एरे टू एरे को वैल्यू प्रोवाइड की, और उसके बाद मैंने एरे को कॉन्केटिनेट कर दिया। अब ये दोनों एरे मेरे पास एक ही एरे के अंदर कंबाइन हो जाएंगे। तो आइए हम इसको एक प्रैक्टिकल अप्रोच में देख लेते हैं किस तरह से हमारी वर्किंग को ये परफॉर्म कर रहा है। इंपोर्ट नंपाई एज एनपी ए इक्वल टू एनपी डॉट एरे, मैं एरे को कोई भी वैल्यूज प्रोवाइड करता हूँ। मैंने कर दी 1 2 3 4। इसी तरह से मैंने सेकंड एरे क्रिएट किया 11 12 13 14 15। अब मैं इन दोनों एरेज को कंबाइन करना चाहता हूँ किसी लोकेशन के ऊपर। मैं लेता हूँ C इक्वल टू np डॉट कॉन्केटिनेशन ए कोमा पी। प्रेसिस के अंदर इसको परफॉर्म कर देता हूं कि मुझे इन ऑपरेशन के ऊपर वर्किंग परफॉर्म करनी है और प्रिंट करना है सी को। प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता हूं तो ये देखिए 1 2 3 4 5 11 12 13 14 15, तो हमारी वर्किंग को ये इजीली परफॉर्म कर चुका है। अब हम आगे और मेथड्स के बारे में बात करेंगे कि किस तरह से हम इसको स्टैक के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं, विड्थ वाइज रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हाइट वाइज रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जॉइनिंग एरे यूजिंग स्टैक फंक्शन। स्टैक क्या है? कहते हैं कॉन्केटनेशन की तरह ही काम करता है, लेकिन डिफरेंस क्या है कि जो स्टैकिंग है वो डन की जाती है न्यू एक्सिस के ऊपर। हम कॉन्केटिनेट कर सकते हैं यहां पर एरे को एक दूसरे एक्सिस के ऊपर, और सीक्वेंस ऑफ एरे हम पास कर सकते हैं यहाँ पर जैसे हम कॉन्केट फंक्शन के अंदर परफॉर्म करते थे। अगर एक्सिस आपने पास नहीं करना है तो आप वहाँ पर उसको जीरो पास करोगे, अगर आप एक्सिस पास करते थे तो वहाँ पर वन पास होगा। जैसा कि आप मेरा एग्जांपल देख रहे हो, सेम वही एग्जांपल है, मैंने एलिमेंट्स पास किए हुए हैं। मैं एनपी स्टैक को यूज करता हूँ, एरे वन एरे टू एक्सिस इक्वल टू वन, एनपी डॉट स्टैक, मैं इतनी वर्किंग परफॉर्म करता हूँ, रन करता हूँ, मैंने अभी एक्सिस परफॉर्म नहीं किए हैं। तो देखिए उसने मुझे यहाँ पर आउटपुट रिप्रेजेंट कर दी, क्योंकि बाय डिफॉल्ट उसने उसको जो वैल्यू है वो प्रोवाइड कर दी। जी हमारे पास 1 2 3 4 5 11 12 13 14 15, उसने उसको 2D एरे में कन्वर्ट कर दिया। अब अगर मैं यहाँ पर कहता हूँ कि एक्सिस इक्वल टू वन हो, तब आउटपुट क्या होगी? अब आप देखिए, जैसे आपने उसको वन एक्सेस किया तो उसने आपको हर एलिमेंट को अलग अलग, जैसे 1 11 फिर अदर एक्सेस, 2 12 फिर अदर एक्सेस, इस तरह से आपको वर्किंग वो परफॉर्म कर रहा है। तो जो डिफॉल्ट वैल्यू थी वो जीरो थी, उसमें से आपको सिंपल वर्किंग परफॉर्म करके रिप्रेजेंट कर दी थी कि किस तरह से हमारे पास वर्किंग आ रही है। पहले एक पूरे सिक्वेंस को परफॉर्म किया, फिर दूसरे सिक्वेंस को परफॉर्म किया और आपको रिजल्ट प्रोड्यूस कर। इसी तरह से स्टैकिंग अलोंग रोज, अगर हम रोज के थ्रू वर्किंग परफॉर्म करना चाहते हैं तो हम एच स्टैक को यूज करते हैं। एच स्टैक यहां पर रिप्रेजेंट करता है हॉरिजॉन्टल स्टैक को। मुझे यहां पर एच स्टैक का यूज करना है, एक्सिस मुझे यूज नहीं करने हैं। मैं रन करता हूं प्रोग्राम को और आपको आउटपुट वो रिप्रेजेंट कर देगा। अब आप देखिए, एक ही रो के अंदर उसने आपको सारा डाटा रिप्रेजेंट कर दिया, 1 2 3 4 5 11 12 13 14 15, जैसा कि आप कर रहे थे कॉन्केटिनेट के अंदर। अब तो देखिए, अब हम यहाँ वर्किंग कैसे परफॉर्म करते हैं, स्टैकिंग अलोंग कॉलम्स। अगर हम कॉलम्स के थ्रू वर्किंग को परफॉर्म करना चाहते हैं, हम वी स्टैक का यूज करते हैं, तो वर्टिकली वर्किंग को परफॉर्म करेगा और आपके डाटा को एक कॉलम्स के अंदर रिप्रेजेंट कर देगा। हम चेक करते हैं किस तरह से वी स्टैक हमारे पास वर्किंग परफॉर्म कर रहा है। वी स्टैक लिया, प्रोग्राम रन किया, तो देखिए उसने मेरे पास कॉलम्स के अंदर वर्किंग को रिप्रेजेंट कर दिया, फर्स्ट कॉलम फिर सेकंड कॉलम। इसी तरह से हम यहां पर दूसरा यूज करते हैं डी स्टैक।
डी स्टैक का यूज हम करते हैं डेप्थ को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो जब हम डेप्थ को रिप्रेजेंट करते हैं तो हमारी वर्किंग कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट की जाती है। अब उसने एक एक एलिमेंट को फॉलो किया और आपको वर्किंग प्रोवाइड करके रिप्रेजेंट कर दी है। तो जो आपका एरे है वो मल्टी डायमेंशनल एरे के अंदर यहाँ पर कन्वर्टेड हो चुका है। तो फ्रेंड्स समरी आज की क्लास में इतना ही था। थैंक यू।